आप देख रहे हैं दर्पण भारत चैनल। महोबा जिला बहुजन समाज पार्टी का सम्मेलन जुलाई माह में हुआ। मुख्य अतिथि बीआर अहरवार, जोनल कोऑर्डिनेटर झांसी जोन। महोबा डिस्ट्रिक्ट बहुजन समाज पार्टी द कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई। चीफ गेस्ट बीआर अहरवार, जोनल कोऑर्डिनेटर झांसी। अगर संविधान बाबा साहब का जो बनाया हुआ संविधान, अगर उस पर उंगली अगर कट गई, उसको अगर खत्म कर दिया गया तो हमारा तो साथियों, हमारा ये कहने का मतलब है कि आप सब लोगों को ये देखना है, अब बाबा साहब का सिद्धांत, इसके बाद मानव के सिद्धांत को बाधा काशिकाम साहब ने इतना लंबा सारे सब कुछ लोग साथी उनके साथ सब बैठ कर काम किए हैं, कितना उन्होंने त्याग किया, सब कुछ त्याग किया। और माननीय बहन जी, जो कि अपना सब कुछ सारा तय हो रहा है, चारों तरफ से हमारी नेता का तय हो रहा है, चारों तरफ से हमारी पार्टी का तय हो रहा है, जब अतः किसी पर होता है इसका महत्व होता है। साथियों, अभी हम जो है ये बात कहेंगे कि हमें इस जनपद में बहुत अच्छा लगा और बैठा तो ज़्यादातर जो हमारे जो स्कूल जिला के लोग नहीं आते, क्या हमें क्या करना, जिम्मेदारी दी गई है वो जाना बहुत पसंद है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ सारे जिला तक पूरे जिला तक हमारे बैठे मुझे बहुत बधाई के पास है, इनकी जितनी प्रशंसा की जानी चाहिए वो कम है। और मैं तो चाहूँगा कि जो है हमारा जो गठन हो, गठन में जैसे मानिया बहन जी ने कहा कि हमें आर्थिक मदद की जरूरत है, क्योंकि हमारी पार्टी तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है और तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी के लिए आपको मालूम है कि चुनाव आयोग का कुछ मानक होता है कि आप कितने स्टेटों में चुनाव लड़ेंगे, कितने स्टेटों में आपके सदस्य होंगे, कितने स्टेटों में आपका पार्टी का कार्यालय होगा। तो हमारे 24 स्टेटों में जो है हमारे पार्टी के कार्यालय हैं, 24 स्टेटों में हमारे सदस्य हैं हमारे जो है। और किसी एक थोड़ा दिक्कत हुई है कि हम जो है जब जैसे आपने बताया माधव साहब ने कहा था कि किसी भी राजनीति की जब तक गैर राजनीति जड़ें मजबूत नहीं होगी वो राजनीति खत्म हो जाएगी। आप देख लीजिए आप समाजवादी पार्टी अभी 4 महीने में खत्म हो गई, क्यों? क्योंकि उसकी गैर राजनीति जड़ है ही नहीं, वो केवल ये था कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक मनवादी विचारधारा की पार्टी है और उसको मालूम था, भारतीय जनता पार्टी को मालूम था कि जो है यदि हम बहुजन समाज पार्टी की तवज्जो देंगे तो इनका बेस 25% और यदि हमारे साथी मुस्लिम समाज के साथी, अल्पसंख्यक समाज के साथी और हमारे पिछड़े वर्ग के साथी और समान वर्ग के साथी वो जो है उसके नीतियों का ध्यान वो रखते विश्वास रखते, अगर ये व्यक्ति हमारे साथ मिल जाएंगे हमें कोई चिंता नहीं कर पाएगा। तो साथियों, उन्होंने जो जो है दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया, उन्होंने दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया, मीडिया उनका है और मीडिया में ये हुआ कि जो है बहुजन समाज पार्टी को लड़ाई मिली, बहुजन समाज पार्टी को लड़ाई मिली, ये उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया और समाजवादी पार्टी लड़ाई में हमारे मुस्लिम साथी बैठे हुए हैं, एक एक वोट जो है मुस्लिम समाज का 100% वोट जो है समाजवादी पार्टी में। और जब वो गया उसका रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आया कि जब 10 पार्टियों का गठबंधन था, हाजी नहीं था, 10 पार्टियों का गठबंधन था और जो है सारा मुस्लिम समाज गया, सब वो जाकर के 100% वोट। अगर हमारा 25% वोट हमारा जो देश वोट का बहुजन समाज का दिया और मुस्लिम समाज का अगर 20% वोट होता 45% वोट पर हम पहुंच जाते और फिर हमारा बहुजन समाज का बैकवर्ड समाज का वोट आता तो हम लोग। और ये हिम्मत करके ये मीडिया में दुष्प्रचार करके, लेकिन हमारे नेता प्रसाद उनका सरपंच बैठे हुए 27 मार्च को समीक्षा बैठक की, हमारे नेता को मालूम था कि जो है ये सब जो है सत्यता नहीं है, हमारी जो एक सीट आई है सत्यता नहीं है, हमारी सीट जो है ये गलत है और मीडिया ने दुष्प्रचार करके हमको ये इस पर लाख उठा दिया। मान्य बहन जी ने तुरंत समीक्षा करने के बाद कहा कि नहीं ये सत्यता नहीं है, क्योंकि सत्यता को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, सत्यता को छिपाया तो जा सकता, जैसे सूर्य भगवान है, आप सूर्य भगवान है मानी सूर्य भगवान सत्यता तो है, वो फिर आदान वो देते हैं, वो पेड़ पौधों को एनर्जी देते हैं, होता है आप कोई बादल आ जा वो क्या बोल देती है ढक जाती ढक जाएगी ढक जाए, लेकिन मान्य बहन जी ने कहा नहीं। और उन्होंने आपको ताजुब 27 मार्च की बैठक में निर्णय
लेकर के हम भी बाहर उत्तराखंड कर देंगे। वहीं पर उन्होंने कहा दो महीने बाद आजमगढ़ का उपचुनाव होना और आजमगढ़ के उपचुनाव में बुद्धू जवान को लेकर देंगे लोकसभा उपचुनाव। और आप ताज्जुब करेंगे कि मार्च के बाद मई में जब चुनाव होता है तो वहां पर हमारा मई में जो चुनाव होता है वहां पर हम 13% वोट से 30% वोट तक पहुंच जाते हैं। ये है सत्यता। क्या है? ये सत्यता साथियों, बिल्कुल ये सही है कि जो अब इसको बदलाया नहीं जा सकता। हमारे जो माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, हमारे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, हमारे बैकवर्ड समाज के लोग, मानव साहब ने कहा था, मानव साहब ने कहा था कि जब आप सत्ता में रहेंगे तो तमाम लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। हमारे हरदोल वर्मा जी सत्ता में जिलाध्यक्ष थे, हमारे अशोक मौजी जिलाध्यक्ष थे, ये सब लोग देखे होंगे, तमाम लोग आकर के साहब हम जो बसपा के बड़े पदाधिकारी हैं, हम बसपा के जो है बहुत सब को चिंता करें। और जब आप सत्ता से हटेंगे तो लोग आपको छोड़ छोड़ करके धीरे धीरे, और यही हुआ। जब आप सत्ता से हटे तो मानव साहब ने जो कहा था उनको सही निकला, वो सब लोग छोड़ के चले गए। स्वार्थी लोग थे, जो अपना स्वार्थ देते वो सब लोग चले गए और जाकर के कहीं। लेकिन माधव साहब ने आगे भी कहा था कि जब जो है वो जहाँ जाएंगे और जब उनको वहां लाद पड़ेगी तो फिर वो जो है ये हो गई है कि आप जो है आप चाहे जहाँ जाओ, चाहे गली में जाओ। अभी हमारे विधानसभा कह रहे थे कि हमारे अधिकारी कह रहे हैं कि अब सरकार आती आ गई, वो स्टेज माधव साहब जो बताएगी कि लोग आएंगे, अब आए, अब आपको जो है तो अच्छे से काम करें और धोखा नहीं देना है। हमें पार्टी माननीय बहन जी ने कहा हम लोग हमेशा लीड किए हैं, हम हमेशा लीड। मैं तो कह रहा हूं कि अगर हमारे भाई राजेश सिद्धार्थ जी और उनको युवा साथी हमारे जिला तक, मेरा तो सजेशन है कि हमारे संतोष वर्मा जी और जो है अशोक बौद्ध जी और हमारे हरगोविंद वर्मा जी, ये लोग बहन की टीम में क्या दिक्कत है? अगर वो नीचे भी काम करना तो सभी लोग हैं हमारे, हम तो हम इनको नेता मानते हैं। युवा युवा का हमें उल्टा कर दिया है वायु, और वायु जिस तरफ चलती है, हवा जिस तरफ जाती है सत्ता उसी तरफ जाती है। मान्य बहन जी ने अभी बरबंद ने बताया, मान्य बहन जी ने स्पष्ट कहा है और बहुत जल्दी इस जो है पार्टी की कमान मान्य बहन जी बहुत जल्दी जो है के हाथ में देंगे, हम उनका भी जो है सम्मान करेंगे। और वो लोग कहते हैं अरे भाई वो तो जो है कोई है ही नहीं सेकंड नंबर का, अरे तमाम घर चूंकि भ्रष्टाचार करने में क्या जाता। तो मेरे साथियों ये है दूसरा जवान, एक बहन जी आई थी गौतम जी तो है दूसरा गौतम जी, आपको लगे आपको ध्यान में रखना हमारी ऐसी वॉलेंटियर महिला है, अगर हमारे संगठन में अगर रहना चाहती है तो उनको सम्मान दिखा। क्यों? क्योंकि जब हमें मोटिवेट करने के लिए जाना पड़ेगा, हमें घर के अंदर घुस करके जाना पड़ेगा, आधी आबादी महिलाओं की है। और महिला मुझे क्या वर्मा जी अरे छोड़े यार मेरा पूजा होगी मेरा और सर हम जो सीख के आएंगे हम आपको बता देंगे। तो अगर ये महिलाएं इनको पदाधिकारी के रूप में उनकी स्थिति को देखते हो, ये नहीं कि वो है अगर कहीं शहर में या जहाँ जा सकती है तो इनको भी लेने की जरूरत है, क्योंकि महिलाओं की संख्या पूरी जो है आधी है। तो साथियों हमारा ये कहने का मतलब है कि आपको और आपको जाना पड़ेगा। अभी माननीय बहन जी ने कहा और मन जी बता रहे थे कि 31 जुलाई तक आपको जो है ये कैडर का जो हमारा संगठन है उसका गठन कर लेगा, और 31 के बाद 1 अगस्त से आपको कैडर का गठन। और नोट कर लीजिए अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहने जा रहा हूँ वर्मा जी, आपसे एक बार सहमत होंगे नहीं होंगे तो आप सहमत होइए, यदि आपको बहुजन समाज पार्टी में जान देना है। ये जो है आला उदय की जो जमीन है बहुत बहादुर जो है जिला, और यदि आप जो है वहां पर जाएंगे तो मैं तो जाऊंगा और मैं ये अपेक्षा करूंगा कि जब सिटी में सेक्टर की बैठक ली, अध्यक्ष जी नोट कर लीजिए इसको, और मैं तो सबसे अपेक्षा करूंगा जिस दिन सेक्टर की बैठक ली उस दिन सेक्टर की बैठक में मैं जाऊंगा। 6 गांव होते हैं, 6 गांव होते हैं सेक्टर में, और उन 6 गांव में एक जगह आप एक सेक्टर की बैठक करते हैं और उसमें कम से कम 75 पदाधिकारी होते हैं जी, सेक्टर में 75 पदाधिकारी होते हैं। आप उन पदाधिकारियों को नोट कर लीजिए
बैठक तो हम वहाँ पर एक गांव में करेंगे, लेकिन वो 75 साइकिलें हमारी तैयार रहना चाहिए और हम उसको जो साइकिल का बीच करेंगे और झंडा बैनर लगा करके नारे लगा करके उस दिन हमारा जो जिस दिन जो है हमारा सेक्टर की बैठक होगी, सेक्टर के 6 गांव में हम जो है साइकिल रैली करते हुए हमको जाएंगे और नाम लगा। आप देखिए कैसे नहीं आता, कैसे परिवर्तन नहीं आता। बात यह है हमारे बहुत से काफी लोग ये आरोप लगाते हैं जो सही भी है, आरोप नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम अपनी बात को अगर गलती को स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर हम अपने आप को धोखा देंगे और साथ में हम पार्टी को धोखा देंगे। और इसके बाद मान्य बहन जी को अपना सब कुछ बिगाड़ के जाना हो मेरे साथ ऐसी बात है, ये नहीं है प्रश्न है। इसलिए जो भी साथी किसी भी तरीका पार्टी को सहयोग करते हैं, योगदान देना चाहते हैं और हर एक की क्षमता लगा, कोई जो है 5 करोड़ उठा सकता है, कोई 20 करोड़ उठा सकता है, हमें क्या पड़ी, हम बताए कि हम लोग अफसर रहे हैं, वो अफसर की आदत होती है कि एकदम ऑर्डर को, लेकिन आज हम आपके पीछे खड़े थे इसलिए कि हमारे ऊपर जो है बाबा साहब का मानव काशीराम का माननीय बहन जी का बहुत बड़ा कर्म और सुखाने के लिए हम आपके पीछे खड़े हुए। हम जो है उनको हर चीज को तैयार, आप क्यों नहीं बदलते हो, आप वहां पर जो है मैंने जब जालौन में कह रहा था कि हमारे बहुत बोले साहब आप तो साइकिल नहीं बची लोगों के पास, काम नहीं करना है तो कुछ भी हो, आप करके तो देखो, आप मैं बता रहा हूँ आपको करके देखो आपका कुछ। और आप भी मतलब हम आपको बोले समाज पार्टी के सारी पार्टियां परेशान, और जो अभी हमारे शर्मा जी ने कहा कि आप समय आ गया, हमारे बेटी कह रहे थे कि अब लोग चर्चा करने लगे, निश्चित रूप से चर्चा करते निश्चित रूप से हमारे अधिकारी लोग हमारे लोग जो है पदाधिकारी जो है पैसा दे के बना दी ये कर दिए, ये चर्चा जो है जान आम चर्चा होती है जिस पर आपको क्या उसकी वजह आप देखिए, वजह ये है कि जैसे मैंने बताया कि हमारे 34 प्रदेशों में कार्यालय है, हमें मेंटेनेंस के नाम से हमारा जिले का लक्ष्य निर्धारित है। आप ऐसे पदाधिकारी को बनाइए कि जो आपको हमारे आपने कहा कि साहब 500 रुपये आपको जो है देना है तो 500 रुपये वो दे, फिर हमें जो हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा, आर्थिक हमारी पार्टी मदद हो जाएगी तो हमें फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम पद लेकर पैसा लेकर के पदा पद जाए। और अब तो वो भी हो गया है, मैं आपको वर्मा जी स्थिति ये आ गई है जो मतलब मौके में जा रहे हैं लोग गाँव जा रहे हैं कि स्थिति ये आ रही है कि अब कोई पद लेने को भी तैयार नहीं हो रहा, क्यों ऐसा हम लोग कमजोर हो गए हैं, तो इसको हमको देखना इसको और ऐसे तैयार हो जाइए। आप जो है बातचीत हमारे जो है डीवीएम के साथ ही है, एक बेचारे ये हमारे जो है जहाँ जगह खड़े रहते हैं यही परेशान है, बैठते तो मैं नहीं कर अगर आप जो है डीवीएम पर मंत्री ने कहा कि डीवीएम का गठन करो और ये अकेले खड़े होते हैं, अगर ये डीवीएम के जो है 20 आदमी आज यहाँ होते और यहाँ पर वर्दी में होते तो आसपास के लोग यह चर्चा करते यार क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा, इनका अपना फोर्स है यार, इनका जब चर्चा हो तो इसलिए आप वर्मा जी आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो है डीवीएम के और लोगों का बन रहे हैं, आप तैयार करिए। वाम क्षेत्र के साथ मैंने पिछले बार आया था, कई वाम क्षेत्र के लोगों के साथ बैठक की, 3 जगह बैठक की, हम मुझे आज भी देखते हैं, हम ये कह रहे हैं आप मुझे बताइए जिले का वाम क्षेत्र का अध्यक्ष कौन है, आज मैं उसको लेके जाऊंगा, कहीं जाऊंगा, अभी आप जिस स्थिति में नहीं है कि आप वाम क्षेत्र का जिलाध्यक्ष बता रहे हैं मुझे, क्योंकि आप हमारे जिलाध्यक्ष अभी आप जिलाध्यक्ष हैं, आप जिलाध्यक्ष को लेकर वाम क्षेत्र के पास जाएंगे तो वो हाथ जोड़ेगा क्या भैया नौ सरकार विपरीत की है और जो है साहब पता दीजिए, तो हमें ये भी काम करना है, हम लोग क्योंकि वाम क्षेत्र में रहे हैं और वाम क्षेत्र का मतलब होता है कि जो है वाम क्षेत्र का मतलब होता है कि जो है शहर देना, तो बीच में शामिल होना। आपको एक उदाहरण बताता हूँ, सरपंच पुराने आदमी है, जब जो है 95 में सरकार बनी तो एक राज सिंह साहब जो है IAS हुआ करते थे सरदार जी, उनके घर पर जो है पूरी पटकथा लिखी गई सरकार की, तो वहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी, वहाँ पर आडवाणी जी उनके घर पर बहन जी और माधव शास्त्री उनके आवास पर बैठक हुई है, तो बात की बात है, तो वहाँ पर जब बैठक हुई तो धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे वाम क्षेत्र के साथ हम लोग आप अपनी बात कर रहे हैं, हम लोग अपनी औकात भूल गए, हमें काम था कि जो संगठन को पार्टी को जो है छाया देना, हमने क्या किया छाया देकर के कहे अशोक ये हमारे सबॉर्डिनेट हैं अजीत साहब जी साहब वर्मा जी, हम जो है वाम क्षेत्र के लोग क्या हुए कि अपनी औकात भूल गए। और आपको मैं उदाहरण बताता हूँ, भैया बैठ लो, तो मैं बैठ लो और सुन लो, मैं आपको बताता हूँ कि राज बहादुर जी जो है
समाज कल्याण के मंत्री पहली सरकार में, और जो जब बैठक हुई तो जो है लाल बहादुर जी की संगठन से आप जी कहते ये डर गए बेचारे, उनका राजसी साहब ने तो जो है वो सरकार बनवाई है तो बेचारे वो कुर्सी में बैठे और नीचे बैठ गए। और बहन जी ने आपको 15 दिन के अंदर विदिन 15 डेज सरकार बनने से 15 दिन के अंदर राज सिंह साहब को सस्पेंड किया, और ये सस्पेंड इसलिए किया था मैसेज देने के लिए कि बाप से के लोगों आप लोग अपना भूल गए हो, आपका काम है कि जो है छाया देना रात और उसको पेड़ को काट दे तो उसको हमारे जो लोग, तो इसलिए हमारे बाप से के लोगों को भी जो है, और बाप से जो है क्या बाप से कोई हमारे एहसान नहीं कर रहा, आप समझाने वाले हो हम समझाने वाले, हमारे अगर बाबा साहब ने और मानवर काशीराम साहब ने इन्होंने जो है हमारे बहुत दिया, कितनी नौकरियां दी आज बता रहा हूँ, आप सिंचाई विभाग का कोई अगर साथी हो बैठ बहन जी ने भरा, आज की डेट में सिंचाई विभाग में कुल टोटल 26 चीफ इंजीनियर पूरे प्रदेश में, और 26 में 22 चीफ इंजीनियर जो है उस ग्रुप का, वो किसकी वजह से है माननीय बहन जी की वजह से। तो अगर ये हम कंट्रीब्यूट करेंगे तो उसका तरीका बदलना, अगर ये हम सहयोग करेंगे तो कोई एहसान नहीं करेंगे, क्योंकि हमने उद्योग लगाया है और इन्होंने इनको नौकरी दी है, इनको अच्छी अच्छी पोस्टिंग मिली है, तो हम ठीक है हम पक्षों करना जाके कह रहा, जो हम कहेंगे कि साहब जो है हमसे जो आप दिया जब आपके किसी सरकारी के पास जाते हो झंडा ही उतार देते हैं, क्योंकि हमें उसको बचाना भी है, ऐसा नहीं कि उसको जो है घर लटका दिया, तो इसलिए हमारे साथी को हमारा गठन जी गठन में इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, और गठन में मैं तो कहूँगा कि आप जब गठन में पूरे जिले में ड्यूटी लगाएंगे तो आप एक कार्ड जो है हमें भी दीजिए, हम भी आपके सेक्टर में कहेंगे किसानों हम देखेंगे, क्योंकि आपको फल मिलेगा, आप ये बस सोचिए हमारी चेक करें, हम जब पहुंचेंगे तो लोगों को फल मिलेगा कहेंगे आप ऐसे थोड़ा चीज़ें, अभी मैं बता दूंगा आपको ये जो हमारा जो गठन हुआ हमने जिसे गवर्नमेंट जहाँ पर देखा होगा इतना गंदा गठन हुआ है कि कहीं पर सेक्टर में कोई पदाधिकारी मिला ही नहीं, केवल पेपर है, जो एक मैं एक विधानसभा में बैठक ले रहा था झांसी में जाने विधानसभा की समीक्षा बैठक थी, आप ताज्जुब करोगे उस विधानसभा में, उस विधानसभा में एक भी सेक्टर के ज्यादा सेक्टर के एक भी सेक्टर के नीचे ये है आपका गठन, इससे आप जो है को मजबूत करेंगे, केवल आप जो है उसको करके अपने जेब का जो है पदाधिकारी बना देंगे और ना अपडेट करके गड़बा जी आपको हम बनाते हैं बनाने हम आपको बनाते हैं, ये धोखा मत दीजिए, ये जो है बहुजन समाज पार्टी रोजी रोटी का साधन नहीं है जी, कि आप जो है सोचें कि हमें तो इससे बच्चे पालना है, आपको मालूम होगा कि एक कुमार चौधरी। दर्शकों से अनुरोध है कि दर्पण भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, धन्यवाद।